आज मुस्लिम सोसाइटी और मुस्लिम जो माँ बाप है उनकी जिम्मेदारी है, आप अपने बच्चों की निगरानी करो, देखो क्या कहाँ जा रहे, क्या कर रहे हैं, किससे दोस्ती है, क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इनका ख्याल रखो। लेकिन बाप खुद उसके डबल नशे में चूर है तो बेटे का क्या हाल होगा, बेटे का क्या हाल होगा। सबसे पहले आप सही हो जाओ। आप बीड़ी पान परा गुटखा सिगरेट जर्दा के आदि हैं और आप सोचे कि मेरा बेटा ना बने, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता है। बाप को देखकर आप गाली गलौज करते हो और आप कहते हो कि मेरा बेटा गाली गलौज ना करे। आप बीवी को मारते हो और मियां बीवी के हमेशा झगड़े रहते हैं, आप सोचते हो कि मेरे बेटे आपस में झगड़ा ना करे, हो ही नहीं सकता है। याद रखो, आपको देखकर वो सीखते हैं। आप रातों रात तक मोबाइल देखते हो और बच्चों को कहते हो मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना, हो नहीं सकता है। याद रखिए, आप देर रात तक जागते हो, देर रात घर आते हो और बच्चों को कहते हो कि जल्दी आ जाना, जल्दी सो जाना, हो नहीं सकता है। याद रखो, आप पहले उसकी आदि बना करो, आप आदि बना करो। घर की जो निगरान है, कुल्लुकुम रा व कुल्लुकुम मसूलुन अन रायतिही, तुम में से हर एक जिम्मेदार है। बाप जिम्मेदार, माँ जिम्मेदार, भाई जिम्मेदार, पड़ोसी जिम्मेदार, हाकिम जिम्मेदार, महकूम जिम्मेदार, हर एक जिम्मेदार है। हर एक को अपनी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा, क्या तुमने ये जिम्मेदारी अदा की या नहीं, तुमने ये जिम्मेदारी निभाई कि नहीं। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊजु बिललाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في سورة المائدة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال تعالى في سورة التوبة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم برادران اسلام پردانشین خواتین ملت खुदबाई मसूना के बाद मैंने आपके सामने सूरतुल माईदा की मशहूर व मारूफ आयत नंबर 3 पढ़ी है।
और इसी तरह से सूरह तौबा की एक आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, सूरह अल-माईदा की आयत में अल्लाह ताला ने शरीयत मोहम्मदिया के लिए और उम्मत मोहम्मदिया के लिए एक बहुत बड़ी बशारत और बहुत बड़ी खुसूसियत का तस्किरा फरमाया, जिसको कि अल्लाह ताला ने किसी उम्मत को और किसी नबी को और किसी शरीयत को अता नहीं किया, और वह है तकमीले शरीयत, तकमीले दीन, अल्लाह ताला की रजामंदी का ऐलान और शरीयत और दीन के मुकम्मल होने का ऐलान। अल्लाह ताला ने किसी शरीयत और किसी दीन के बारे में किसी नबी को यह पैगाम नहीं दिया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज किए, एक ही हज जिसको अलविदाई हज कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के मौके पर अरफा के मैदान में थे और आप पर यह आयत नाजिल हुई, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। इतमाम भी है, इकमाल भी है, कंप्लीट है ये हर एतबार से, और अल्लाह ने इससे रजामंदी का ऐलान भी किया, और रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अब यहां पर सारी बातें खत्म हो गई कि दीन कौन सा चलेगा, शरीयत कौन सी चलेगी, मुकम्मल कौन सी शरीयत है और मुकम्मल कौन सा दीन है। यहां पर साफ जाहिर हो चुकी है किसको मानना है, किसको फॉलो करना है। इसीलिए अल्लाह ने दूसरी जगह पर वजाहत फरमाई, वमई अब तक गैर अल इस्लामी दीना फलई युकबल मिन, दीन इस्लाम के अलावा अगर कोई दूसरा दीन तलाश करे, ढूंढे और उसको जरिया नजात तसव्वुर करें, उससे कबूल नहीं होगा और आखिरत में वो नुकसान उठाएगा। दूसरी आज जो मैंने आपके सामने पढ़ी है, अल्लाह ताला ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से फरमाया कि तुम्हारे पास एक ऐसे नबी आए हैं, लकद जाअकुम रसूलुन, तुम्हारे पास एक ऐसे रसूल आए हैं, मिन अनफुसिकुम, तुम ही में से हैं, वो इंसान में से हैं, मगर इंसानों में ही वो रसूल हैं, इंसानों में वो अफजल हैं, वो खैरुल बशर हैं, अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह के चहीते हैं, मगर असलियत उनकी इंसान ही है। मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनितुम, जो तकलीफ तुम बर्दाश्त करते हो नबी को भी उससे तकलीफ होती है। हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम, और तुम्हारी हिदायत, तुम्हारी नजात, तुम्हारे जन्नत के दाखिले के बड़े हरीस हैं और मोमिनों के हक में बड़े मुशफिक, रहीम और करीम हैं। नबी की ये शरीयत रहीमाना है, मुशफिकाना है, करीमाना है, शरीफाना है, मुकम्मल भी है, कंप्लीट भी है, आसन भी है, सबसे बेस्ट भी है और सबसे बेहतरीन आइडियल और मॉडल आपके अंदर है। लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बेहतरीन उसवा है, बेहतरीन नमूना है। ये अल्लाह ने किसी और नबी के बारे में नहीं कहा है। तो इस दीन के बारे में कंप्लीट होने का ऐलान है। इस शरीयत और आखिरी नबी के बारे में भी अल्लाह ने कहा कि आखिरी और फाइनल है, तो जाहिर सी बात है इनके जरिए से नबुवत का सिलसिला खत्म है, तो आखिरी जो है वही अपडेटेड है। इसी पर ईमान होना चाहिए, इसी शरीयत पर और इनके तरीके के मुताबिक हमें अमल पैरा होना चाहिए। हाजरीन, इस मुख्तसर सी तमहीद के बाद मैं आपके सामने आज हज्जतुल वदा का खुतबा, जो कि एक आलमी मंशूर है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज किया और हज के मैदान, हज के मुकाम पर आपने अरफा के मैदान में
इसी तरह से यौमुन नहर में भी आपने खुतबा इरशाद फरमाया। दो खुतबों को जमा करके मैंने आपके सामने अहम चंद बातों को पेश करने की कोशिश की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो आलमी खुतबा था, आलमी मंशूर था, अलविदाई खुतबा था, आखिरी आपका पैगाम था, आपके सामने तकरीबन 1 लाख से जायद का मजमा था। सहाबा इकराम आपके साथ जो हज किए उस जमाने में, अल्लाह अकबर, और ये इस्लाम का एक बहुत बड़ा मौजजा है। उस जमाने से लेकर आज तक सबसे बड़ा मजमा हज का मजमा होता है। उस जमाने में भी उतना बड़ा मजमा कभी नहीं जमा होता था, और आज भी इतना बड़ा मजमा शायद कहीं जमा हो। और इन सब को एट ए टाइम मैंने बारहा कहा कि मुअज्जिन सिर्फ एक बार कहता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, सारे के सारे कोई किसी हालत में हो, जिस जिस हालत में हो, सब के सब कतार बंद हो जाते हैं, सब बंद हो जाते हैं और एक ही हालत में एक ही पोजीशन में आ जाते हैं। ये इस्लाम का बहुत बड़ा मौजजा है मेरे भाइयों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किया, आपके सामने 1 लाख से जायद का मजमा था। उस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके सामने ये पैगाम दिया, ये मैसेज दिया कि लोगों याद रखना, ये आलमी पैगाम है, ये आलमी मैसेज है, हर एक के लिए इसमें पैगाम है, हिकमत है, लेसन है, दर्स है, सबक है। चाहे वो हाकिम हो या माकूम, बड़े हो या छोटे, मर्द हो या औरत, बुजुर्ग हो या बूढ़े हो या जवान, हर एक के लिए गुलामों के आका, हर एक के लिए अल्लाह ताला के रसूल ने यह पैगाम दिया। और अगर मैं आपको खुलासे के तौर पर कहूं, सारी तालीमात इस्लामी को अगर आप 2 जुमलों में बयान करना चाहें, वो है हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद, अल्लाह के हुकूक और अल्लाह के बंदों के हुकूक। अल्लाह के हक में सिर्फ एक ही है, अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना करो। और अल्लाह के बंदे जो भी हैं, इंसान, जिन्नात, चरिंदे, परिंदे, दरिंदे, सबका फिजा, माहौल, कायनात, जानदार, बेजान, जो भी अल्लाह की मखलूकात हैं, उन सब का हक अदा किया करो, हर एक का हक दिया करो। और इनको आप और छोटे अंदाज में बयान करना चाहें, वो है अदल। अदल मैंने इससे पहले भी कहा है कि अदल ये गोया के सारी तालीमात इस्लामी का खुलासा है। नबी के इस खुतबे में जहां पर हुकूकुल्लाह है, हुकूकुल इबाद है और पूरे अदल और इंसाफ के साथ नबी ने ये खुतबा इरशाद फरमाया। आइए, ये जो जामे खुतबा है, मैं आपके सामने इसकी चंद झलकियां रखता हूं ताकि आपको पता चले कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खुतबा इरशाद फरमाया है। पूरी वसाहत करने के लिए वक्त ना काफी है। हाजरीन, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहली बुनियाद है तौहीद, ईमान, अकीदा, मनहज और ईमानियत। आपने इस बुनियाद को सबसे पहले दोहराया क्योंकि अकीदा तौहीद, अल्लाह ने इसी के लिए कायनात को पैदा किया। वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 56 में अल्लाह ने फरमाया, कायनात इंसो जिन्नात को मैंने अपनी इबादत के लिए, और इबादत जब कहा जाए तौहीद के साथ इबादत मकसूद है, तौहीद के लिए अल्लाह ने सारी कायनात को बनाया है, तौहीद के लिए अल्लाह ताला ने रसूलों को भेजा है और तौहीद के लिए अल्लाह ताला ने किताबों को नाजिल किया है। अल्लाह तबरक ताला इसी तौहीद के लिए दुनिया को कायम रखा है। तौहीद खत्म, दुनिया खत्म, उस वक्त कयामत आएगी, नबी ने फरमाया, जब रूए जमीन पे कोई अल्लाह कहने वाला, तौहीद वाला नहीं होगा दुनिया में, उस वक्त कयामत आ जाएगी, दुनिया खत्म। इस तौहीद को अल्लाह के रसूल ने सबसे पहले मजबूत किया, बयान किया। तौहीद क्या है? तौहीद यह है कि हर तरह की इबादतों बंदगियों को अल्लाह के लिए खालिस करो, सारी इबादतों को अल्लाह के लिए खालिस कर दो, यही तौहीद है कि अल्लाह तबरक ताला का जो हक है वो अल्लाह को दिया करो, यही असल तौहीद है मेरे भाइयों। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से खिताब करके फरमाया, लोगों गौर से सुनो, इस्माऊ वाऊ, गौर से सुनो, मेरी बातों को याद रखो, अच्छी तरह से तुम सहन नशीन कर लो
और जब्त जहन कर लो, अच्छी तरह से तुम याद रखो मेरी बातों को, कान खोल के गौर से सुना करो, क्योंकि ये आलमी पैगाम है, आखिरी पैगाम है और जामे पैगाम है। साहब इकराम की तवज्जो को अपनी तरफ मबजूल करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला पैगाम दिया, कहा कि देखो वअबुदुल्लाहा रब्बकुम या का इत्तकुल्लाहा रब्बकुम, तुम अपने रब का तकवा इख्तियार करो, तुम अपने रब की इबादत और बंदगी करो। वो रब जिसने तुमको पैदा किया है, वो रब जो तुम्हारे हर तरह के बंदोबस्त करता है, वो रब जो तुम्हारे लिए कायनात अर्ज समा और इसके बीच की हर चीज को अल्लाह ने बनाई है, वो रब जो तुम्हारे लिए हर तरह के जीने का सामान मुहैया किया है, उस रब की तुम इबादत करो। वअबुदुल्लाह रब्बकुम, तुम अल्लाह जो तुम्हारा रब है उसी की इबादत किया करो, क्योंकि यही बुनियाद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह पैगाम दिया और कहा उसी अल्लाह का डर रखो, ये तकवा तुम्हारे दिल में हो तो हर वक्त तुम्हें ये ख्याल रहेगा, किसी को जवाब देना हो या ना हो, अल्लाह के बारगाह में एक दिन जवाब देना पड़ेगा, कोई देखे ना देखे अल्लाह ताला देख रहा है, इंसान डरेगा चौकन्ना रहेगा, अल्लाह का हक भी अदा करेगा, अल्लाह के बंदों के हुकूक भी अदा करेगा। तकवा ये बुनियाद है, रसल अमर मुखाफतुल्लाह, हर चीज की बुनियाद है तकवा। तकवा तकवा आ जाए तो याद रखिए कि आपको अल्लाह तबरक ताला हर एतबार से कामयाब कर दें। हाजरीन, उसके बाद दूसरा जो पैगाम दिया कि अल्लाह के इबादत में सबसे अहम इबादत है सलात। सलात सबसे अहम इबादत है, ये सलात। अल्लाह अकबर, नबी ने उसके फौरन बाद अकीदा मनहज तौहीद के बाद अल्लाह के रसूल ने कहा कि याद रखो वसल्लु खमसकुम वसूमु शहरकुम वअद्दु ज़कात अमवालिकुम, तुम पांच फर्ज नमाज की पाबंदी किया करो, एक महीना फर्ज रोजा रखा करो, जकात तुम अदा किया करो। ये इबादतों की बुनियाद है मेरे भाइयों, इबादतों की बुनियाद है। जकात में अल्लाह का हक भी है, अल्लाह के बंदों के गरीबों मिस्कीनों के हुकूक भी है, जरूरतमंदों के भी हुकूक इसके अंदर पिन्हा है। और इसी तरह से ये रोजा, रोजे के जरिए से जहां जिस्मानी तरबियत होती है, रूहानी तरबियत भी होती है। जिस्मानी रूहानी दोनों तरह की तरबियत का जरिया है ये रोजा और सलात। अल्लाह अकबर, क्या कहना है, ये तो मेराजुल मोमिनीन है। अल्लाह ने सारे अहकाम दुनिया में नाजिल फरमाए, लेकिन सलात का हुक्म देने के लिए अपने हबीब को अपने पास बुलाया और बुलाने के बाद खुसूसी तोहफा दिया, खुसूसी गिफ्ट दिया है। आप अल्लाह के खुसूसी खुसूसी दीदार के मुस्ताहिक होना चाहते हैं, खुसूसी मुलाकात के मुस्ताहिक होना चाहते हैं, सलात की पाबंदी करो, सलात की पाबंदी करो। अल्लाह अकबर, नबी ने क्या फरमाया, एकदम चौदहवीं का चांद है, एकदम आबुताब से हैं, साफ शफाफ हैं। साहब इकराम से नबी ने कहा चांद को तुम अच्छी तरह से देख रहे हो ना, कहा कि हां, कोई तकलीफ हो रही है देखने में, कहा कि नहीं, कहा कि ऐसे ही याद रखो तुम कयामत के रोज अपने रब का दीदार करोगे, एकदम साफ शफाफ, कोई तकलीफ नहीं। दो नमाजों की पाबंदी करो, फजर और असर की नमाज की पाबंदी किया करो, अपने रब का दीदार होगा। अल्लाह ने अपने रसूल को अपने हबीब को सलात का हुक्म देने के लिए अपने पास बुलाया है, तुम अगर सलात की पाबंदी करोगे अल्लाह ताला तुम्हें कुर्बत देगा। इसीलिए वो हदीस वली में क्या है कि मेरी ये जो वली है फराइज के जरिए से मेरी कुर्बत हासिल करते हैं, नवाफिल के जरिए से मेरी मोहब्बत हासिल करते हैं, और मेरी कुर्बत और मोहब्बत की वजह से अल्लाह अकबर अब जो भी मांगता मैं उनकी मांग पूरी करता हूं, उनके आजाव और जवारे की मैं हिफाजत करता हूं, उनकी मैं हिफाजत करता हूं, उनकी मांग को पूरा कर देता हूं। और अल्लाह ताला अपनी कुर्बत हमें और आपको अता फरमाता है। नमाज, और एक बात याद रखिए, ये सलात, अल्लाह अकबर, सलात के लिए आने वाले के हर हर कदम पे सवाब है, दर्जात की बुलंदगी का जरिया है। साथ ही साथ वजू बनाओ सलात के लिए तो सारे गुनाह माफ है। फिर इसी तरह से आप
सलाम फिरने के बाद उस जगह पर बैठे रहो, जब तक अपनी जगह पर बैठे रहते हो फरिश्ते आपके लिए मगफिरत की दुआ करते हैं। अल्लाह अकबर। अब बताइए अगर आप नमाज की हालत में ही हो, ये तो नमाज के अलावा की हालतें हैं। हाँ, नमाज के लिए आ रहे हैं इतना फायदा, नमाज के लिए वुजू कर रहे हैं इतना फायदा, नमाज से सलाम फिरने के बाद उस जगह पर बैठे तो इतना फायदा, अगर आप सलात में ही हो कितना फायदा होगा, अल्लाह अकबर, अब तसव्वुर भी नहीं कर सकते हो। इसीलिए इसको कहा हय्या अलस्सलाह हय्या अलफलाह, कामयाबी के लिए आओ, नमाज के लिए आओ, सलात के लिए आओ, कामयाबी यहां है, कामयाबी यहां है मेरे भाइयों। और बास अहले इल्म ने ये लिखा है, इस्तदलाल किया है कि जो सलात की पाबंदी नहीं करता है उसकी कोई इबादत कोई नेकी अल्लाह कबूल नहीं करता है, कोई नेकी कबूल नहीं करता है। हमारे पास तो मौसमी मुसल्लिया और नमाजी होते हैं, वो मौसम के एतबार से, और खास तौर से अभी मुहर्रम के रोजे गुजरे, दो दिन फजर में मस्जिद में काफी तादाद में लोग नजर आए, फिर उसके बाद खत्म। भाई वो तो नफिल है, नफिल रोजा है, ठीक है, नफिल के बहाने से फर्ज के लिए तो आ गए, आपने दो दिन पाबंदी की तो क्या सारी जिंदगी पाबंदी नहीं कर सकते हो? अपने दिल को समझाओ, इन्नमल आमालो बिन्नियात, आप नियत कर लो, याद रखो जो इरादा करता है पाबंदी करता है, रात दो बजे सोकर भी फजर में उठ के आता है फिर वो सोता है, लेकिन याद रखो जो इरादा ही नहीं करता है वो नौ बजे सो के भी नहीं उठेगा फजर के लिए। आप याद रखो मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि सलात की पाबंदी करें। बातें बहुत और हैं, एक ही चीज को सलात के बारे में काफी बातें हो सकती थी, लेकिन और भी बातें आपके सामने अर्ज करनी है। हाजरीन, अल्लाह का हक अकीदा, फिर उसके बाद अल्लाह के बुनियादी हक जो इबादत, इनको बयान करने के बाद अब मुआशरे का हक बयान किया कि मुआशरा अमन सुकून और चैन के साथ कैसे रह सकता है, किसी भी मुआशरे में सुकून अमन चैन कैसे हो सकता है। और उसके लिए इस्लाम ने कहा कि देखो, इंसान की पांच चीजें महफूज हो तो इंसान सुकून से रहेगा, अगर उसकी पांच चीजें महफूज नहीं है वो तिलमिलाएगा, परेशान होगा, चाहे कितना कमजोर क्यों ना हो, बर्दाश्त करते 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 एक दिन वो आपे से बाहर होता है, फिर उसके बाद वो सोचता है अब जो भी हो मरता क्या ना करता है, बिल्ली को कुत्ता भगाते हुए ले जाता है, आखिरकार जब बिल्ली के सामने भागने के लिए कोई रास्ता नहीं है अब वो शेरनी बन के पलट के हमला करती है, ये सोचती नहीं कि मैं कमजोर हूं या क्या हूं कहां हूं, अब जीने मरने का मामला होता है। याद रखिए मेरे भाइयों, इसलिए हुकूमतों को चाहिए कानून साजी से पहले ये जो आलमी मंशूर है इसको आप समझो, और गैर मुस्लिम भी कहने पर मजबूर है हुकूमत करना है तो अबू बकर और उमर जैसी हुकूमत करना चाहिए, ये पैगाम है, ये मैसेज याद रखो मेरे भाइयों। इसलिए आगे नबी ने क्या पैगाम दिया, ये पांच चीजें क्या हैं, इंसान की अकल, इंसान की नस्ल, इंसान की जान, इंसान के माल और इंसान के दीन, ये पांच चीजें महफूज हो, इंसान की जान महफूज हो, और जान महफूज है तो सब कुछ है ना, अगर जान का ही खतरा हो तो परेशान होगा नहीं होगा, तिल मिलाएगा परेशान होगा, उस मुआशरे में अमन और सुकून नहीं आएगा। जहां इंसान के माल कमाता है सुकून से रहने के लिए, माल ही महफूज ना हो कमाओ और ना जाए इस तरीके से यहां वहां उड़ जाए हड़प हो जाए, इंसान परेशान रहता है, अच्छा खासा माहौल बर्बाद होता है, अच्छी खासी दोस्ती खराब हो जाती है, क्यों, इसी माल के फितने की वजह से। और नबी ने फरमाया हर उम्मत का खास फितना है और मेरी उम्मत का खास फितना है माल, लिकुल उम्मत इन फितना वो फितना तो उम्मत ही माल, और इसी फितने में बहुत सारे लोग मुबतला है। फिर इसी तरह से इंसान की अकल, यानी शराब पी लिया अब क्या क्या करता है, अकल किसी की दुश्मनी और अदावत में इतना पागल हो गया है जो चाहे करता है, इंतकाम और नफरत के जज्बे में आकर अनाप शनाप करता है, याद रखो ये अकल ठिकाने पे ना हो तो इंसान बहुत गलत काम कर बैठता है और माशरा तबाह और बर्बाद होता है। फिर इसी तरह से इंसान के दीन महफूज हो,
जो दीन जिसको वो मानता है, अगर उस दीन पे आंच आए तो इंसान परेशान रहता है। तो ये जो जान माल इज्जत और आबरू नस्ल अकल और दीन इन सब को मिलाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याद रखो लोगो, इन दिमाकुम व अमवालकुम हरामुन अलैकुम कहुर्मति यौमिकुम हादा फी शहरिकुम हादा फी बलदिकुम हादा। याद रखो, आपस में तुम्हारी जान माल इज्जत आबरू ये तुम्हारे आपस में सब कुछ उसी तरह से हराम है जिस तरह से आज का दिन मोहतरम है, ये आज का महीना मोहतरम है, ये शहर मक्का जैसे मोहतरम है, उसी तरह से तुम्हारी आपस की इज्जत आबरू दीन ईमान भी आपस में ऐसे ही महबूब है मोहतरम है। इनका पासो लिहाज रखोगे मुआशरा पुरसुकून रहेगा, इनका अगर पासो लिहाज नहीं है तो मुआशरा पुरसुकून नहीं रहता है। इसीलिए इस्लाम ने कत्ल को बहुत बड़ा गुनाह करार दिया है, कहा कि देखो खामा खामे कोई कत्ल करता है, मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सन अव फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा कतलन्नास जमीअ, जिसने किसी एक नफ्स, एक मुसलमान नहीं कहा, एक नफ्स का नाहक कत्ल किया उसने सारी इंसानियत का कत्ल किया है, और जिसने किसी एक जान को बचा लिया है सारी इंसानियत को बचा लिया है। याद रखिए मेरे भाइयों, ये इस्लाम का पैगाम है। इस्लाम की निगाह में वजू एक इबादत है, वजू में पानी बेतहाशा बहाना कबीरा गुनाह है, तो इंसान का खून बहाना कितना बड़ा गुनाह होगा, आपने कभी सोचा है तसव्वुर किया है? खामाखा में याद रखो ये कहा कि अगर आपको जरूरत नहीं है, खामाखा में कोई दरख्त भी नहीं काटना है, कोई जानवर भी जबा नहीं करना है, जरूरत हो तो ठीक है बिला वजह नहीं करना है। इस्लाम हर चीज की हिफाजत की तालीम और तरगीब देता है मेरे भाइयों, इनके जरिए से माशरे को फायदा होता है। अकल की हिफाजत के लिए शराब जुआ गैबत और इस तरह के वो चीजें जिसकी वजह से इंसान की अकल में पर्दा पड़ जाए उन सब को हराम करार दिया, और शराब को उम्मुल खबाइस करार दिया है कि ये इंसान अमल इस पर अमल कर लें यानी इसको इस्तेमाल कर लें तो अब उसकी अकल ठिकाने पे नहीं तो वो इंसानी नहीं है, क्या कर रहा क्या बोल रहा उसको पता भी नहीं है। वही लोग, भाई आप नशे में चूर है, पुलिस वाले कह रहे हैं कि मत करो ये आपकी हिफाजत के लिए, आपको बुराई से रोकने के लिए आ रहे हैं, और आप उन्हीं को मार रहे हो क्योंकि आपकी अकल ठिकाने पे नहीं है, गलत है। इस्लामी एतबार से ये गलत है, याद रखो तुम्हारा बुनियादी अमल भी गलत है, और जो तुम्हें रोकने के लिए जा रहे हैं उन पर हमला कर रहे हैं ये भी गलत है, याद रखो। और आज इस्लामी मुआशरा सोसाइटी तबाह है इसी ड्रग्स और मुनशियात के आदि होने की वजह से, नौजवान नस्ल बर्बाद हो रही है, कहां कहां पर ये ड्रग्स की आदतें जा रही है, स्कूल छोटे छोटे क्लासों के बच्चे महफूज नहीं है, कॉलेज तो बहुत बड़ी बात हो गई है, क्लब तो बहुत बड़ी बात हो गई है, बार और फुला फुला बातें तो बहुत बड़ी बात हो गई है, स्कूल प्राइमरी लेवल के स्कूल की बात कर रहा हूं वहां पर ये चीजें आम हो रही है, छोटे छोटे बच्चे यानी 8-10-12 साल के बच्चों के अंदर ये लत लग रही है। अल्लाह हिफाजत फरमाए, उम्मुल खबाइस है ये, बुराइयों की जड़ है ये, यहां तक कि ये इससे हवस को मिटाने के लिए जो चाहे कर गुजरता है, मां बाप के भी मुकद्दस रिश्ते का भी ख्याल नहीं रखता है, उसको नशा को पूरा करने के लिए मां बाप को भी मार देता है, पैसा हासिल करने के लिए जो चाहे करता है। हद तो ये है अपने जिस्म के आजा बेच के नशा करता है, जिस्म के आजा खून बेचता है नशा करता है, जिस्म के कोई आजू बेच के वो नशा करता है, और ये अल्लाह की जो दी हुई अमानत है ये जिस्म उसको गलत कामों में इस्तेमाल करता है। अल्लाह के पास क्या जवाब दोगे? आज मुस्लिम सोसाइटी और मुस्लिम जो माँ बाप है उनकी जिम्मेदारी है, आप अपने बच्चों की निगरानी करो, देखो क्या कहाँ जा रहे, क्या कर रहे, किससे दोस्ती है, क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इनका ख्याल रखो। लेकिन बाप खुद उसके डबल नशे में चूर है तो बेटे का क्या हाल होगा, बेटे का क्या हाल होगा? सबसे पहले आप सही हो जाओ, आप
बीड़ी पान परा गुटका सिगरेट जर्दा के आदि हैं और आप सोचे कि मेरा बेटा ना बने, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता है। बाप को देखकर आप गाली गलोच करते हो और आप कहते हो कि मेरा बेटा गाली गलोच ना करे। आप बीवी को मारते हो और मियां बीवी के हमेशा झगड़े रहते हैं। आप सोचते हो कि मेरे बेटे आपस में झगड़ा ना करें, हो ही नहीं सकता है। याद रखो, आपको देखकर वो सीखते हैं। आप रातों रात तक मोबाइल देखते हो और बच्चों को कहते हो मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना, हो नहीं सकता है। याद रखिए, आप देर रात तक जागते हो, देर रात घर आते हो और बच्चों को कहते हो कि जल्दी आ जाना, जल्दी सो जाना, हो नहीं सकता है। याद रखो, आप पहले उसकी आदि बना करो, आप आदि बना करो। घर के जो निगरान है, कुल्लुकुम रा व कुल्लुकुम मसूलुन अन रायतिही, तुम में से हर एक जिम्मेदार है। बाप जिम्मेदार, माँ जिम्मेदार, भाई जिम्मेदार, पड़ोसी जिम्मेदार, हाकिम जिम्मेदार, महकूम जिम्मेदार, हर एक जिम्मेदार है। हर एक को अपनी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा, क्या तुमने ये जिम्मेदारी अदा की या नहीं, तुमने ये जिम्मेदारी निभाई कि नहीं। आज माशरा बहुत तबाही की तरफ जा रहा है, नौजवान नस्ल बर्बादी की तरफ जा रहा है। आपसे गुजारिश है कि इस नस्ल की हिफाजत कीजिए, अल्लाह हमें नेक तौफीक अता फरमाए। उसके बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल से मुतालिक एक चीज सूद के बारे में कहा कि देखो, जमाने जाहिलियत के सारे सूदी कारोबार और आइंदा भी सारे सूदी कारोबार को मैं हराम करता हूं, क्योंकि ये सूद मुआशरे का नासूर है। इसमें होता ये पानी पानी के पास जाके जमा होता है, पैसे वाले के पास पैसा और जाता है। सूद में पैसा कौन देता है? मेरे पास 100 रुपया है और मेरी जरूरत 100 ही है, तो मैं सूद पे दूंगा आपको? नहीं दूंगा, मेरी जरूरत पूरी करूंगा। जिसके पास जायद पैसा है, एक्स्ट्रा है, वो देता है सूद पे और फिर एक्स्ट्रा लेता भी है। और लेने वाला जिसको जरूरत है 100% की, वो 100% लिया, बेचारे की जरूरत है 100 रुपया और 100 रुपया है भी नहीं उसके पास, 100 लिया फिर 100 110 देना पड़ेगा। जिसके पास 100 एक्स्ट्रा है फिर 10 रुपये एक्स्ट्रा आ रहा है, जिसके पास 100 है ही नहीं है 100 भी दे रहा है, 10 रुपये एक्स्ट्रा भी देना पड़ रहा है। कितना बड़ा जुल्म है मेरे भाइयों, कितना बड़ा जुल्म है। और माशरे में सूद को खत्म करना चाहते हो, दो ही रास्ता है। एक रास्ता यह है कि सदका तो खैरात किया करो। सदका तो हर एक ले नहीं सकते हैं, सदका खैरात हर एक ले नहीं सकते हैं। दूसरा काम क्या करना है? जरूरतमंदों को कर्जा दो। लेकिन कर्जा देने के बाद होता क्या मालूम है? अरबी में कहा जाता अल-क़र्ज़ु मिक़रादुल मुहब्बा, कर्जा ये मोहब्बत को काटने की कैंची है। लेते वक्त बड़ी मोहब्बत, बड़ी अपनाइयत रहती है, उसके बाद देखो ऐसा पानी पिलाता है जिसके हद नहीं, चप्पल घिस जाए, पूछते पूछते हलक सूख जाए। उल्टा जो है आपको वो समझाएगा, सबक देगा, दर्स देगा, मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूं, ये है वो है, मैं भाग गया, चोरी क्या क्या, ये क्या वो क्या, आपको अल्लाह ने नवाजा दिया है, आपके पास क्या कमी है, आप तो ये है वो है, उल्टा आपको सुनाएगा। याद रखो नबी की हदीस सुन लो, नबी ने फरमाया जो कर्जा लिया और लेने के बाद देता नहीं है, जान मुझ के टाल मटोल करता है, फकद हल्ला इर्दु, उसकी इज्जत हलाल है, उसी इज्जत को उछालो। सरे आम उसको बदनाम कर सकते हो, बता सकते हो फुला आदमी मेरा पैसा लेके नहीं दे रहा है इसलिए कि वो जालिम है, जालिम है। नबी ने फरमाया मतलुल गनी जुल्मन, वो आदमी जो दे सकता फिर भी नहीं दे रहा है वो जुल्म है, जालिम है, माली जुल्म कर रहा है। याद रखो, अब सोचता है कि मैं कौन सा जुर्म किया, अपना पैसा मेहनत की कमाई उसको कर्जा देके और उसके बाद मुझे सुनना पड़ रहा है। आइंदा से तौबा तौबा, किसी को कर्जा नहीं दूंगा। अब इसकी वजह से जो मुस्ताहिक है उसका हक भी मारा जाता है। याद रखिए मेरे भाइयों, माशरे से सूद को खत्म करना चाहते हो, ये दो बुनियाद हैं और दोनों हमने आज फरामोश कर दिया है, जाहिर सी बात है क्या होगा, आज सूद के नासोर में माशरा ऐसे तबाह है। याद रखो, शादी करता है नौजवान, शादी के मौके पर अच्छा क्या जबरदस्त शादी करता है, ये जोड़े घोड़े, इतना खाना, दावत, ए वो आइटम, लोग क्या ना क्या, शादी किया माशाल्लाह। शादी एक बार करता धूमधाम से करो, ये गलत है, शादी एक बार क्यों करता हो भाई, हाँ और भी करो, है ना, कोई जरूरी नहीं है, तुम्हारा फलसफा ये गलत है। और ये जो बड़े धूमधाम से करो ये भी गलत है। नबी ने फरमाया
वो शादी खैरो बरकत वाला है जिसमें सबसे कम खर्चा हो, सबसे कम खर्चा हो। हमारे पास तो जोड़े घोड़े शॉपिंग खत्म ही नहीं हो रहे हैं, इतने दिनों तक शॉपिंग है, इतने जोड़े घोड़े जेवरात, ये दावत उसको बोलो तो नाराज, वो ना बोलो तो नाराज। और ऐसे डेकोरेशन, डेकोरेशन को क्या बोलता हूं मैं, डेकोरेशन रुका, एक रुका 200-250 का है, फजूल है, अल्लाह के पास जवाब देना पड़ेगा क्यों। अरे मेरी डिग्निटी है, मैं अगर इतने का रुका नहीं छापा तो लोग क्या कहेंगे, लेता फेंकता वहां पर। हा? मालदारों के रुका के पैसे से गरीब की बेटी की शादी हो जाएगी, याद रखिए। हाँ, लाखों रुपया सिर्फ रुका में खर्चा करता है, लेकिन वही एक गरीब को 2 रुपया दो नहीं देगा, नहीं देगा, क्यों, देखो रे शान। हाँ, हमारी शान दिखाना है, और शान दिखाते हुए ऐसे आगे बढ़ जाते हैं, शिर्क बिदात खुराफात रस्म रवाज ये वो, अम्मा की ये ख्वाहिश, नाना की ये आरज़ू, दादा की वो आरज़ू, उनकी ये है, मैं क्या करूं, उनकी ये मजबूरी, उन्होंने ये फरमाइश की है, सब आप ही को करना है, जवाब आप ही को देना है, जन्म आप ही ने दिया है, इंतजाम आप ही ने किया है, अल्लाह के पास औलाद आप ही ने मांगी है, अल्लाह ने आपको यह नेमत दी है, अल्लाह आप ही को पूछेगा, आपको अल्लाह के पास जवाब देना पड़ेगा। ये दुनिया के चंटकों के सामान और दुनिया की शोहरत रंगीनिया रानैत और दिखावा, इसमें पढ़ के आप आखिरत को बर्बाद कर रहे हो, याद रखो मेरे भाइयों। लेकिन होता यही है, नबियों ने समझाया और लोगों की आखिरत के सुधार के लिए कोशिश की, और नबियों को अला किल्ला तो हिब्बुन नासिहैन, तुम्हारे खैर खा नास जो हमदर्द, तुम्हें जन्नत से करीब, जन्नत का रास्ता दिखाने वाले, जहन्नम से रोकने वाले, उन्हीं को तुम नापसंद करते हो। याद रखिए मेरे भाइयों, नौजवान निकाह करता, सूद से मुतालिक बात चल रही थी, शुरू में खूब खिलाया पिलाया गवाया, ये किया वो किया, इतना कर्जा लिया, उसके बाद एक साल तक चलो ठीक है, अब कर्जे की जो डिमांड शुरू हो जाती है, परेशान रहता है, यहां वहां कुछ करने की कोशिश करता है, हलाल हराम कुछ भी हो जाए, अब घर बार की फिक्र नहीं है, घर में क्या रहा पता नहीं है, बच्चे क्या कर रहे पता नहीं है, अभी औरत भी परेशान रहती है। ऐसे लोगों को कुछ लोग वॉच कर रहे हैं और महिलाओं की एक जमात बना रहे हैं, हा? उसके बाद उनको कर्जा दे रहे हैं, कैसे, ग्रुप लोन दे रहे हैं, ग्रुप लोन लेने के बाद अब चंद दिनों तक लेने में अच्छा लगता है। और याद रखे नबी ने ये कहा, जो ज्यादा लोन में पड़ेगा सूद में पड़ेगा वो जलील और रुस्वा होगा ही होगा, ये नबी का जुमला है मेरे भाइयों, जलील और रुस्वा होगा। उसके बाद जब कर्जा बढ़ जाए, अब शौहर भी नहीं दे रहा, चंद दिनों अच्छा लगता, शौहर आ रहा, अच्छा मिल रहा खाने को, सुबह जा रहा, क्या हो रहा, कहां से ला रही पता नहीं है। उसके बाद हालत यह है, इन औरतों पर अब जुल्म और उनके इस्तेहसाल हो रहा है, कैसे, अब पैसा दो लेते लेते अच्छा लगा, दे नहीं पा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता गलत काम की तरफ, गलत कार्यों की तरफ उनको ढकेल दिया जा रहा है। अगर पैसा नहीं दे सकते हो, जाओ वहां, जाओ यहां, जाओ ये करो वो करो, मैं बोल नहीं सकता मेरे भाइयों। आज मुस्लिम माशरे में, समाज में ये सूद की लानत की वजह से सारी बातें हो रही मेरे भाइयों। इसलिए हमें चाहिए, नबी ने बहुत पहले ये कहा कि देखो तुम इन सारी चीजों से परहेज गुरेज करो, और खुलासे के तौर पर नबी ने कहा, जमाने जाहिलियत की हर चीज को मैंने रौंद दिया, दफन कर दिया है, वो जमाने जाहिलियत के जो तुम्हारी इलाकाई असबियत, खानदानी असबियत, सूद और इन सारी बातों को मैंने दफन कर दिया है। याद रखो, किसी अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर कोई फजीलत नहीं है, किसी काले को गोरे पर, किसी गोरे को काले पर, सिवाय तकवा और ईमान, यही अल्लाह के पास मतलूब है। इंसानियत का ये पैगाम इस्लाम ने दिया है, सब एक हैं, सारे इंसान एक है, जात पात छूत छात बिल्कुल इस्लाम में नहीं है। याद रखिए मेरे भाइयों, यही असल पैगाम है इस्लाम का। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर यह पैगाम दिया और ये कहा कि लोगों, तुम अपने मातहत काम करने वालों का ख्याल रखो, अपने गुलामों का ख्याल रखो, उनका पास लिहाज रखो, और उनके देखो आराम, कहीं उनके ऊपर काम ज्यादा ना हो जाए, और हो तो तुम ताउन कर दो, हेल्प कर दिया करो। फिर इसी तरह से याद रखो, तुम खवातीन का ख्याल रखो, खवातीन का ख्याल रखो, ये तुम्हारी इज्जत है, तुम उनको अल्लाह का नाम पढ़ के लेकर आए हो, खवातीन का ख्याल रखो। आज मुआशरे में ही खातून, याद रखिए, आज ये खातून
जो इंसान की इज्जत के जरिया है, आज उन्हीं से इज्जत नापे ना नीलाम और बर्बाद हो रही है। ये खातून की वजह से, याद रखिए, औरतें मर्द को आबाद भी करती हैं, बर्बाद भी करती है। आज मुआशरे में जरूरत है अच्छे खवातीन की। आज शौहर परेशान है खवातीन की वजह से, क्योंकि खवातीन के पास ये जज्बा ज्यादा होता है कंपेयर करना, मुआजना करना, उनको इतना मिला, उनको इतना मिला, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। आप अपनी तकदीर पर राजी रहो, आप अपनी तकदीर पर राजी रहो, शौहर के शुक्रगुजार बना करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाकयात अभी आप सुने हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब इस्माइल के पास आए, घर आए थे, तो उनकी बीवी ने क्या किया? शिर्क किया, कुफर किया, बिदात खुराफात किए, अखलाकी कोई जुर्म किए, गलत अफेयर वगैरह किए? नहीं, क्या है? सिर्फ नाशुकरापन। नाशुकरापन अगर किसी औरत के अंदर है, याद रखो, जिंदगी भर तुम कमाओ, आपको सुकून मिलने वाला नहीं है। नाशुकरापन औरत के अंदर नहीं होना चाहिए। शुक्रगुजारी, शौहर का ख्याल रखो, शौहर के आराम का जिस हालत पे भी हो ख्याल रखो। याद रखिए, इसी पे माशरे में सुकून आएगा, अमन और चैन है। क्योंकि याद रखिए, जिनके घरों के खवातीन माशरे में सर झुका के बापर्दा चलती हैं, उन घरों के मर्द माशरे में सर उठाकर चलते हैं, और जिनके घरों के खवातीन माशरे में सर उठाकर बेपर्दा चलती हैं, उन घरों के मर्द माशरे में सर झुकाकर चलते हैं। याद रखो, ये उसूल और जाबिता है। औरतों से इज्जत है, और औरतें तुम इज्जत का जरिया बनो, और तुम खुशी का जरिया बनो, और तुम अपनी हिफाजत खुद करो, तब जाकर तुम्हारी हिफाजत अल्लाह करेगा। तुम्हारी हिफाजत का जरिया तुम बनो। अगर तुमने सरेआम नीलाम कर दिया है, तुमने अपनी खजाने की हिफाजत नहीं किया है, तो अल्लाह ताला भी तुम्हारी हिफाजत नहीं करेगा। अगर तुम सरेआम बिकने लग जाओ, तो याद रखो, तुम्हारी कदर और कीमत नहीं होगी। और अगर तुम अपनी हिफाजत करो, मर्द तुम्हें पैसा देकर खरीद के लाने पर मजबूर होंगे। खरीदने का जुमला मैंने कहा ऐसे ही, लेकिन हकीकी माने में मजबूर होंगे ये। हाँ, मजबूर होंगे, पैसा देकर भारी भरकम महर अदा करके वो लाने पर मजबूर होंगे। और अगर तुमने अपनी हिफाजत नहीं की, तुम्हें जहेज देकर तुमको बेचना पड़ेगा, जहेज देकर पैसा देकर तुम्हें बेचना पड़ेगा। मां बाप परेशान रहते हैं, हैरान रहते हैं कि मैंने क्यों इस बच्ची को जन्म दिया। नौजवान लड़की है, और उसकी फोटो के साथ, नाम के साथ, बाप के नाम के साथ सब रजिस्टर ऑफिस में जाकर एक गैर के बच्चे के साथ उसका नाम, उसकी फोटो, बाप का सर क्या होता होगा, बाप के दिल पे से क्या गुजरता होगा? वो सोचेगा, मैंने इसको जन्म क्यों दिया है? जवानी सब कुछ है, क्या अल्लाह पर भरोसा नहीं है, तवक्कुल नहीं है? अल्लाह ने आपकी जोड़ी बनाई है, याद रखो। और तुमने चंटकों के फायदे के लिए, दुनिया के हिर्स हवस के लिए आपका आखिरत को बर्बाद किए, खानदान के नाम को बर्बाद किए, मां बाप की इज्जत को मिले में ऐड कर दिए हो, और तुमने आखिरत को भी बर्बाद कर दिया है। याद रखो मेरे भाइयों, खवातीन तुम उनकी ख्याल रखो, और खवातीन भी अपना ख्याल रखें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारा एक आलम मंशूर बताया, जिसमें सारा पैगाम, सारा मैसेज है। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी पैगाम दिया, लोगों क्या मैंने पहुंचा दिया? सबने कहा कि हाँ, अल्लाह के रसूल, अद्दैता व बल्लगता, आपने पहुंचा दिया, तबलीग की जिम्मेदारी आपने अदा कर दी है। नबी ने कहा, तब एक काम करो, फलयुबल्लिगु शाहिदुल गायब, यहां जो मौजूद हैं, जो मौजूद नहीं उनको पहुंचा दो। नबी के सामने 1 लाख से ज्यादा मजमा था, और मक्का और मदीने में मुश्किल से 40-50 हजार की खबरें मिलती है, सब मिला लिए जाए तो, मक्का मदीना मिलाकर बता रहा हूं, बाकी 50-60 हजार कहां गए? नबी, आपके सहाबा 1,24,000 के करीब थे, बाकी कहां गए? वहीं से उन्होंने ये नहीं सोचा कहां जाना है, बस जिस तरफ गए कोई इधर निकल गया, कोई इधर निकल गया, हर तरफ निकल गया दीन की तबलीग के लिए। आज हम क्या दीन की तबलीग कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं? अल्लाह ने आपको यहां रखा है दीन की तबलीग के लिए है। ये जो 100 करोड़ गैर मुस्लिम है, उनको अल्लाह के बंदे बनाने और जन्नत का रास्ता दिखाने, उनके खैर खाई हमदर्दी के लिए आपको रखा है, इनको भी साथ में जन्नत लेकर चलो, दीन की तबलीग किया करो। दुआ रब्बुल आलमीन से अल्लाह तबरक तआला हमें और आपको उनके सुनी बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। इलाल आलमीन सारे मुसलमानों की
जान माल इज्जत आबरू दीन और ईमान अहलो आयाल की हिफाजत फरमाना। अल्लाह जो मांगने से रह गया अपनी शान से नवाज देना। बीमारों को शिफाई कुल्ली अता फरमा देना। मकरूजों के कर्ज के लिए अदायगी के लिए रास्ता निकाल देना। बेरोजगारों को रोजगारी नसीब फरमा देना। बरसरे रोजगार लोगों को रोजगारी में बरकत अता फरमा देना। बे औलाद को औलाद का सहारा दे देना। साहिब औलाद के औलाद को नेक और सालेह बना देना। जो लोग घर बार कारोबार के लिए परेशान है अल्लाह ताला उनकी परेशानी को दूर फरमा के अल्लाह उनको निजात देना। जो जेरे इलाज है उनके इलाज को कामयाब बना देना। अल्लाह जब तक दुनिया में रखना ईमान अमान के साथ रखना। खातिमा बिल खैर फरमाना और कल क़यामत के मैदान में नबी की शफात रफाकत के साथ जन्नतुल फिरदाउस के आला इल्लीगिन में जगह इनायत फरमाना। आमीन वा आखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।